स्पेकुलेशन सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन शेयर ट्रेडिंग है, लॉटरी है। सट्टेबाजी, शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। स्पेकुलेशन में जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस जो है वो कमीशन वर्क भी है। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन भी है। और थर्ड हाउस जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि थर्ड हाउस को मरकरी ऑन करता है और मरकरी जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट का कारक है, सिग्निफिकेटर है। आप सभी को पता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद आप ही की क्लास में किसी ने मुझे कहा था कि सर आप एक ही चीज़ को बार बार में रिपीट करते हैं। सो रिपीट करने का मतलब ये होता है मेरा कि एक तो मेरी ये आदत बन चुकी है और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ को जब मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ तो सामने वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको याद ही हो जाता है। खैर, हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो स्पेकुलेशन जो है हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं और हमारे जो फाइनेंस के जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है वो है 2, 6, 10, 11। आप सभी को पता है कि हमारे फाइनेंस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 2, 6, 10, 11 है। फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 2, 6, 10, 11 से संबंध बनाएगा तो जातक को शेयर ट्रेडिंग में फायदा होगा, या यूं कहें कि स्पेकुलेशन में फायदा होगा, या लॉटरी में फायदा होगा, या सट्टेबाजी में फायदा होगा। फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 2, 6, 10, 11 हाउस ले तो शेयर ट्रेडिंग में या स्पेकुलेशन में फायदा देता है। अगर 8th हाउस आ जाए, मतलब कि यदि फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड 8th हाउस ले ले तो 8th हाउस कहीं ना कहीं कमी तो करेगा पर ये फाइनेंशियली गेन भी देगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो अनएक्सपेक्टेड गेन है। 8th हाउस जो है वो बिना मेहनत का पैसा है। लेकिन 8th हाउस के साथ 12th हाउस भी आ जाए और वो 5th हाउस से जुड़ जाए तो ये प्रॉब्लम करेगा आपके शेयर ट्रेडिंग में, सट्टेबाजी में, लॉटरी में। 8th हाउस तब तक अच्छा है जब तक कि वो अच्छे घरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस। 8th हाउस के साथ 12th भी आए तो पैसा कहीं फंस जाएगा, डूब जाएगा। कहने का मतलब कि 8th हाउस 12th हाउस से नहीं जुड़ना चाहिए। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था शायद, हाँ आपके दूसरे एक दूसरा बैच है उसके अंदर से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर शेयर ट्रेडिंग करने करें तो किस क्षेत्र में करना चाहिए या किस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए। तो आप चाहे नो आप नोट डाउन कर लीजिए या आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, शनि जो है, सैटर्न जो है, वो कोल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है और कहीं ना कहीं मशीनरी से संबंधित भी इंडस्ट्री सैटर्न ही ऑन करता है। राहु आईटी इंडस्ट्री है। शुक्र जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। शुक्र जो है वो होटल इंडस्ट्री है। शुक्र फूड इंडस्ट्री भी है। मंगल भी कहीं ना कहीं मशीनरी से संबंधित इंडस्ट्री को ऑन करता है। फार्मा जो है वो सूर्य है। फार्मा इंडस्ट्री सूर्य ऑन करता है। गोल्ड इंडस्ट्री जो है वो गुरु।
गुरु फाइनेंस इंडस्ट्री भी है। सिले हुए कपड़े जिसमें वो जिसमें आपने देखा होगा स्टिचेस लगे हुए कपड़े, वो इंडस्ट्री जो है वो शुक्रॉन करता है। और कपड़ों के केस में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि कई इंडस्ट्रियां जो है वो बड़े बड़े कपड़ों के थान में डील करती है। तो जो कपड़ों के बड़े बड़े जो थान है वो चंद्रमा है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें फाइनेंशियली गेन कब होगा, या क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें शेयर ट्रेडिंग कब करनी चाहिए। तो आप इसमें सिंपल रूल है कि आप चंद्रमा का ट्रांजिट पकड़िए और चंद्रमा का साइन लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड देखिए। मान लीजिए कि आपका फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड जुपिटर है, या मान लीजिए आपका फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड मार्स है और उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर है। अगर चंद्रमा ट्रांजिट में 2, 6, 10 या 11 हाउस ले और आपका जो जुपिटर है वो भी 2, 6, या 10 या 11 हाउस से संबंधित हो, तो उस समय शेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर यहाँ पे मार्स है, अगर मून जो है जुपिटर के साइन में नहीं है, मून जो है वो जुपिटर के स्टार में नहीं है, और जुपिटर जो है मान लीजिए कि मार्स के साइन में है या मार्स के स्टार में है, और आपके मार्स ने 2, 6, 10, 11 में से कोई भी हाउस ले रखा है, तो उस समय शेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपका फिफ्थ हाउस का कसपल सब लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न का स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स है। अब सैटर्न जो है मान लीजिए कि उसने फोर्थ हाउस ले रखा है और सेवेंथ हाउस ले रखा है, सेकंड हाउस ले रखा है, और मार्स ने मान लीजिए कि सेकंड हाउस ले रखा है, एट्थ हाउस ले रखा है और इलेवेंथ हाउस ले रखा है। अब जब आप ट्रांजिट देखेंगे तो मून का ट्रांजिट देखेंगे और मून का साइन लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड। अगर मून का साइन लॉर्ड सैटर्न हो उस समय, तो आपका जो सैटर्न है वो सेकंड हाउस ले रहा है और सेवेंथ हाउस भी ले रहा है, तो ऐसे में शेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन सैटर्न ने यहाँ पे फोर्थ हाउस भी लिया है और फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है, तो ये कहीं ना कहीं कमी करेगा। और सैटर्न जो है वो डिले का कारक है, तो शेयर ट्रेडिंग में डिले भी लाएगा। अगर मान लीजिए कि मून का साइन लॉर्ड मार्स है और मार्स को आप देखें तो मार्स सेकंड हाउस ले रहा है, मार्स एट्थ हाउस ले रहा है, मार्स इलेवेंथ हाउस ले रहा है, तो आप इस समय शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए कि साइन लॉर्ड मून का जो साइन लॉर्ड है वो जुपिटर है और जो कि फिफ्थ हाउस से संबंध नहीं बना रहा है कहीं से भी, और उसका स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स है, मून का स्टार लॉर्ड मार्स है,
तो मार्स यहाँ पे सेकंड, एट और इलेवेंथ ले रहा है, तो उसमें भी शेयर ट्रेडिंग की जा सकती है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक चार्ट है मेरे पास में, करीब 1.5 महीने पहले ये व्यक्ति मेरे पास आए थे। इनकी प्रॉब्लम तो कुछ और थी, लेकिन ये शेयर ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे शेयर ट्रेडिंग ये करते हैं। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इनका। यहाँ पे फिफ्थ हाउस कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर जो है वो खुद एक फाइनेंस का कारक है, और जुपिटर यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, जुपिटर बड़ा है, और अगर जुपिटर फाइनेंस जैसे घरों से, फाइनेंस जैसे हाउसेस से संबंध बना ले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जुपिटर। जुपिटर का यहाँ पे स्टार लॉर्ड जुपिटर ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट को। अगर किसी भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड वह प्लेनेट खुद ही हो, तो उसके सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड मानकर घटना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जुपिटर का स्टार लॉर्ड जुपिटर ही है, तो जुपिटर को नहीं लेकर के सब लॉर्ड यानी मार्स को यहाँ पे हमें लेना होगा। तो जुपिटर का यहाँ पे स्टार लॉर्ड मार्स। देखेंगे हम कि मार्स के किसका स्टार लॉर्ड बना है। मार्स सन का स्टार लॉर्ड बना है, और मार्स मरकरी का भी स्टार लॉर्ड बना है। तो मार्स सन का भी पूरा रिजल्ट देगा और मार्स मरकरी का भी पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे देगा। और क्या मार्स किसी का स्टार लॉर्ड बना है यहाँ पे? तो मार्स और किसी का भी स्टार लॉर्ड यहाँ पे नहीं बना है। क्या मार्स सन के साथ कंजंक है? तो सन जो है वो 24 डिग्री पे है और मार्स जो है वो 22 डिग्री पे है, यानी कि कंजंक्शन है और हमने सन को पहले ही ले लिया है। क्या मार्स मरकरी के साथ कंजंक्शन में है? तो मार्स जो है वो 22 डिग्री पे है और मरकरी जो है वो 23 डिग्री पे है, यानी कि कंजंक्शन है, जो कि हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। मार्स जो है वो वीनस के साथ भी कंजंक्ट है। तो देखते हैं कि मार्स और वीनस कंजंक्ट है, तो मार्स यहाँ पे 22 डिग्री है और वीनस यहाँ पे 15 डिग्री है, यानी कि कंजंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे वीनस भी पूरी तरीके से लेना होगा। तो यहाँ पे मार्स का रिजल्ट सन भी देगा, मरकरी भी देगा और वीनस भी देगा। जुपिटर ने यहाँ पर फिफ्थ हाउस लिया है और जुपिटर ने यहाँ पे 11th हाउस लिया है, और जुपिटर की दूसरी राशि यहाँ पर कट गई है। तो एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए आप कि अगर भाव चलित चार्ट में अगर किसी भी प्लेनेट की राशि कट जाए, तो वो प्लेनेट जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के फल स्ट्रॉन्ग देगा, या उस हाउस के जो फ्रूट है वो स्ट्रॉन्ग देगा, उसके उसके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देगा। तो जुपिटर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में है, तो जुपिटर की एक राशि यहाँ पर कट गई है, तो जुपिटर जो है वो फिफ्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा यहाँ पर। तो जुपिटर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में है और उसकी राशि 11th हाउस में है। मार्स को देखते हैं। यहाँ पे मार्स जो है वो 7th हाउस में है और उसकी राशि 2nd हाउस और 10th हाउस। मार्स ने यहाँ पे 7 लिया है, मार्स ने यहाँ पे 2 लिया है और 10 लिया है।
मरकरी को देखेंगे आप, तो मरकरी यहाँ पे 7th हाउस में है, और मरकरी की राशि जो है वो 5th हाउस में है। मरकरी की दूसरी राशि जो है यहाँ पर कटग है, तो मरकरी 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। सन यहाँ पर 7th हाउस में है और सन की जो राशि है वो भी 7th हाउस में ही है, तो सन जो है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा। वीनस को देखते हैं हम एक बार। वीनस भी यहाँ पे 7th हाउस में है और उसकी जो राशि है वो 4th हाउस और 8th हाउस में है, तो वीनस ने यहाँ पे 4, 7, 8 लिया है। तो ओवरऑल हमारे पास में स्पेकुलेशन के केस में ये रिजल्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सेकेंड हाउस आ रहा है, यहाँ पर 10th हाउस आ रहा है, यहाँ पर 8th हाउस भी आ रहा है, यहाँ पर जुपिटर ने खुद ने 5th हाउस लिया है। तो स्पेकुलेशन के केस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर 4th हाउस वीनस ऑन कर रहा है, तो वीनस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर करता है, और चाहे कोई भी बिजनेस हो तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाउनफॉल तो आता ही है। और वीनस को छोड़कर के यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जिसने कि कोई बैड रिजल्ट, जो बैड रिजल्ट दे रहा हो या कोई ऐसा कोई हाउस ले रहा हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 12th हाउस कहीं भी नहीं आ रहा है। एक बार हमें 8th हाउस को चेक करना पड़ेगा इसके लिए। 8th हाउस का कसपल सब लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स है, और सब लॉर्ड भी मार्स है, तो यहाँ पर मार्स स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। ओवरऑल हमारे पास कहानी वही आ जाती है कि मार्स ये सारे के सारे रिजल्ट हमें देगा। जैसे कि मार्स ने यहाँ पे 7th लिया है, 2 लिया है और 10 लिया है, और अगर मार्स का हम कंजंक्शन देखेंगे तो सन के साथ कंजंक्ट है और 7th हाउस आ रहा है, और अगर मरकरी के साथ कंजंक्ट देखेंगे तो 7 एंड 5, और वीनस के साथ अगर कंजंक्शन देखेंगे तो वीनस 4, 7 एंड 8। तो 8th हाउस ने भी यहाँ पर कहीं पर भी 12th हाउस नहीं लिया है, तो स्पेकुलेशन के केस में या हम कहें कि शेयर ट्रेडिंग के केस में ये बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। और ये जो व्यक्ति है शेयर ट्रेडिंग में, बड़े लेवल पे शेयर ट्रेड करते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं ट्रांजिट का, कि अगर कोई व्यक्ति आपको पूछ ले कि क्या इस महीने मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा या मुझे कोई फाइनेंशियली गेन होगा, तो आप बिल्कुल सिंपल आप बता सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, और मैंने शायद आपके दूसरे बैच में ये बताई होगी या शायद आप ही के बैच में मैंने बताई है, कि हमेशा सन का, अगर हम सन की बात करें और महीने की बात हो, हाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, क्लियर है, और मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि
कि जब भी हमें डेली बेसिस पे कोई प्रिडिक्शन करना हो तो हम मून को देखेंगे, और अगर मंथली मंथ बेस पे हमें कोई प्रिडिक्शन करना हो तो हम सन को देखेंगे, और ईयरली प्रिडिक्शन करना हो तो हम जुपिटर को देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांजिट में सन जो है वो एरीज साइन में है। आपको मैं बता देता हूँ एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया ट्रिक सूर्य का ट्रांजिट देखने की। सूर्य हमेशा 15 तारीख को अपनी राशि चेंज करता है, और आपको सभी को पता है कि सूर्य एक महीना ही एक राशि में रहता है। तो हमें अप्रैल से काउंट करना होगा और एरी साइन यानी मेष राशि से काउंट करना होगा। मेष राशि किसी भी हाउस में हो सकती है, तो आपको वहीं से काउंट करना होगा। मान लीजिए कि अभी इस समय मेष राशि एरी साइन अगर 7th हाउस में होता तो हम 7th हाउस से काउंट करते। अभी जो एरी साइन है, मेष राशि जो है वो 3rd हाउस में है, तो मुझे अभी 3rd हाउस नहीं देख करके एरी साइन पकड़ना है और देखना है कि सन जो है वो कहाँ पर है। सो काउंट करूँगा मैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होता है। जैसे कि हम काउंट करेंगे यहाँ से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 15 मार्च के बाद में सूर्य जो है वो मीन राशि में होगा, और 15 तारीख के बाद यानी कि आपने देखा है कि अभी मैंने आपको काउंट करना बताया कि अप्रैल से काउंट करेंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो आपने देखा है कि आप 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, और सूर्य जो है वो 15 तारीख को मकर राशि में होता है। तो वैसे ही जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 15 अप्रैल के बाद में सूर्य जो है वो एरीज साइन में होगा। ये आप एक बार चेक कीजिएगा और देखिएगा। तो आपको अगर कोई कहता है कि क्या मुझे इस महीने फाइनेंशियली गेन प्राप्त होगा, तो आप सिंपल सूर्य का ट्रांजिट पकड़ सकते हैं और देखें कि सूर्य जो है क्या 2, 6, 10, 11 हाउस ले रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है सूर्य 3rd हाउस ले रहा है, तो 3rd हाउस इतना कोई बैड नहीं है। तो अगर हम इस जातक के लिए कहें तो अप्रैल, मई और जून, तो 15 जून, जून और जुलाई यानी कि 15 जुलाई के बाद में यानी कि जुलाई मंथ में इस व्यक्ति को फाइनेंशियली गेन प्राप्त होगा। वैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद में या नवंबर के महीने में फाइनेंशियली गेन प्राप्त होगा, और दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर या दिसंबर के मंथ में इस व्यक्ति को फाइनेंशियली गेन होगा। जनवरी, जनवरी 12th हाउस में है ट्रांजिट में, और अगर ट्रांजिट में सूर्य जो है 12th हाउस दिखाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फाइनेंशियली गेन प्राप्त नहीं हो करके फाइनेंस खराब होगा और खर्चा बढ़ेगा। ये एक सिंपल रूल है सूर्य का ट्रांजिट देखने का। हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है इनके
चार्ट में 8th हाउस में है, और अभी ट्रांजिट में हम देखें चंद्रमा को, तो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड, सॉरी चंद्रमा का साइन लॉर्ड सैटर्न है, और चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है वो मार्स है। क्या सैटर्न और मार्स कहीं इनके कॉम्बिनेशन में है? तो मार्स जो है वो 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड है, और 8th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड भी मार्स है।